స్వాగతం. ఇప్పుడు రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. సమాజ్ కే నామ్ పర్ జో మహిళాఓ కో కల్ మధ్య ప్రదేశ్ మే పీటా గయా హై క్యా వో ఠీక్ హో రహా హై? నా దట్స్ ఓకే. నౌ సిట్ డౌన్. ఆల్ రైట్. నా శ్రీ ప్రమోద్ తివారి. శ్రీ ప్రమోద్ తివారి. నా శ్రీ ప్రమోద్ తివారి. What is the reason? Now see, I have got 13 zero-hour submission. Please, now honorable members, one second. See, I have got 13 zero-hour notices and 13 honorable members are waiting. You are obstructing their rights. ये अच्छी बात नहीं है. ये अच्छी बात नहीं है. उनका right. We will discuss. If you want, we can discuss it. No. Let them. Okay. You go back to your seat. I will ask the government to react. No. If you can go back to your seat, I will ask the government to react. If you can go back. Kumari ji. Now. I will ask the government to react. No, all my your members, I will ask the government to react. Kumari Mayawati ji, I will ask the government to react. You call back your members. Mr. Gulam Nabi Azad, call back your members. I will ask the government to react. But if they are shouting, I cannot do. Now if the members can go to the seat, I will have the government to react. But if you are shouting, I cannot do that. Before the government reacts, I would like... LOP, please. Before the government LOP, reacts, please. I would like to say something. LOP, please. Before... Yeah. Sir, it now, is honorable LOP, I am only saying this. No, I am not saying that the issue raised by Kumari Mayawati and others, that issue is not important. It is not important. But if you come and shout in the well, what is the solution? No. If you want an answer from the government, go back to your seat. I will ask the government to react. Sir, listen to me. No, but you go back to your seat. Yes, I will ask. Sir, I will speak only two words. Yeah, please. Shri Gulam Nabi Azad. हमको कोई आपत्ति नहीं है. हम सरकार का जवाब सुनेंगे. और अगर यहाँ कोई नारा लगा, यहाँ अगर कोई स्लोगन लगा,
कि गौ रक्षा बंद करो, मैं उसके हक में नहीं हूं। गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन 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 गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर बहाना करके दलित और मुसलमानों को टारगेट करने के खिलाफ है। ये हमारा कानून, हम गौ रक्षा के खिलाफ नहीं है, बट इट बी वेरी क्लियर, गौ रक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन गौ रक्षा की आड़ में आप अगर अल्पसंख्यक को और दलितों को टारगेट करो उसके खिलाफ है, उसका हम विरोध करेंगे। अब इसका जवाब सवाल जवाब दे। श्री नकवी नकवी मायावती जी, श्री नकवी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, लिसन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम विश्वास करते हैं कि देश संविधान से और कानून से चलता है, डंडे से नहीं चलता, और किसी भी रूप में किसी भी तरह से हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, निश्चित तौर से वो निंदनीय है और हम उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते और ना हम समर्थन करते हैं। जहां तक जिस घटना का बहन मायावती जी ने डिस्कस किया, उसमें तत्काल मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया है। जहां तक प्रश्न है, हम देश में विकास और विश्वास के माहौल को कायम करना चाहते हैं, देश में विकास और विश्वास का माहौल कायम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, हर तबके के विकास, हर तबके के विश्वास के लिए हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। और मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी कहना चाहूंगा कि हमें लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर हमें राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। समाज में सद्भाव और समाज में एकता हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम समाज के सद्भाव और एकता को तोड़ने के लिए अपने सियासी शतरंज बिछाएंगे तो वो ठीक नहीं है। ओके, नाउ लेट मी टॉक सिरोवर, लेट मी टॉक सिरोवर नाउ, श्री मोहम्मद हक सिरोवर आई स्टार्ट। प्रधानमंत्री बताएं, अलग अलग सूबे में जब बीजेपी की सरकार है क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री आज तक चुप है, हमने सदन में कहा था जब बैठ हुई, आज तक चुप है। सर नोटिस दे दीजिए, नहीं बोलते, नोटिस दे दीजिए, चर्चा किया है, प्लीज गिव मी नोटिस, वी आर रेडी फॉर डिस्कशन एंड वी विल गिव यू रिप्लाई। हर विषय में कि आपके राज्यों में क्या हुआ है, दुनिया का कोई विषय नहीं, हमारे समय अंतरिक्ष से लेकर, आप नोटिस दे दीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार है। कोई विषय नहीं जिसपे ना बोले, चाय पे चर्चा, मन की बात, अरे मन की बात यहाँ सुना हो आपने, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आनंद शर्मा बना दिया हूँ मिनिस्टर को, नाउ लेट मी गो टू जीरो आवर, बताएं प्रधानमंत्री आप बैठे उनको लेके, इफ यू वांट डिस्कशन यू नो रहे हो आप, दबा कर रहे हैं, बार बार कहते हैं, इफ यू वांट डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट प्लीज गिव नोटिस, I am going to take up zero hour now. Sri Mahmud Dadebegar. Mahmud Dadebegar, sir. Who are yes. Federalism demand. Mahmud Dadebegar. Yes. 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 You speak loud. Sir, cooperative federalism demands extensive interaction. Nothing else will between the center and the state. Feedback from the states must be given equal importance. It is sad that the present cooperative federalism is only in name. It is time we head towards cooperative federalism. Sir, I would like to draw today on a very important issue of the house, that is the demand for release of pre-matric, post-matric, merit cum means scholarship to minority students. It is a matter of great concern that almost 4 lakh minority students from West Bengal have not received for the year 2015-16. Despite being eligible, they were barred from the benefit because of technical glitches like slow server speed, drop-down menus not working, and names of many educational institutions missing from the list while accessing the national scholarship portal. Besides the technical problem, in certain remote places of West Bengal, like the Sundarbans, Purulia, Bankura and Darjeeling, people have limited access to computers and to good network connections.
Sir, West Bengal has recently faced unprecedented floods in 235 blocks of 13 districts. Even after the state government's effort to publicize and help the students with internet access, the benefits are denied due to technical glitches in the national scholarship portal. Sir, despite the state having already sent offline data as sought by the ministry, almost 4 lakh students are still outside the ambit of the scholarship scheme. Sir, our Chief Minister Mamata Banerjee had written to the Ministry of Minority Affairs in August last year regarding this. Even I, on May 5th this year, had raised this issue in the House and was assured by the then Minister of an early solution to the problem. The Chief Minister, our Chief Minister last week, has also written to the Honourable Prime Minister in this matter. However, the problem still persists. I urge the centre to allow us, that is the state of God, West Bengal, to opt out of the national portal, national scholarship portal, and let us disperse the scholarship funds electronically through DBT with appropriate backward linkages to NSP along the lines of disbursement of scholarship to SC and ST. So I end with an Urdu couplet that sochta hoon ke anjaam mein safar kya hoga. सोचता हूँ कि अंजामे सफर क्या होगा, लोग भी कांच के हैं, राह भी पतलीली है. सर, आई आस्क द मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड. अच्छा, ना रामचंद्र राव, ना श्री रामचंद्र राव, ना आई विल कॉल यू, आई विल कॉल श्री, ना अंसारी जी, अंसारी आपका आपका जीरो ओवर नोटिस है, उधर बैठिए. अंसारी जी आपका जीरो ओवर नोटिस है, आप बैठिए. मैं रामचंद्र राव हूँ. Now you are, see, Ramchandra Rao, I yesterday itself told you, your privilege motion, privilege notice is being examined by Honorable Chairman. So you will be intimated over that. Sit down. Now Pramod Tiwari, what is your point? Sir, I know you are given, सस्पेंशन नोटिस. सर, बट सस्पेंशन नोटिस बीइंग नॉट अलाउड है. जस्ट ए मिनट सर, मेरा ये कहना है, ये आज ही हो सकता है, उससे बात नहीं हो सकता. ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है. एक साजिश और षड्यंत्र के तहत 3 ऐसे संभावित खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक जीत सकते थे, बारी बारी उन्हें डोप टेस्ट में फंसाया जा रहा है. ये बात अब उभर कर सामने आ गई है कि साई के सेंटर में, वहां के किचन में दाल फ्राई करते वक्त मिलाया गया है जो उससे हमारा नरसिंह यादव, जिसने जीता था ओलंपिक में मेडल, जिसके संभावना थी, उसे डिबार किया. मेरा सिर्फ एक चीज, मेरा पॉइंट है बड़ा सर, अगर अगर वो डोप टेस्ट में फेल होता है तो नियम 10(4) के अंतर्गत एक क्लाज है जिसके अंतर्गत अगर उसकी बगैर जानकारी के दिया गया है तो उसे उसका लाभ मिलना चाहिए. और अगर उसने सचमुच जानबूझ कर लिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन एग्री विद यू, उसने जानकारी के बगैर हमारे देश के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, साजिश हो रही है. नाउ दिस इज सरकार का पक्ष. नाउ दिस इज अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट, बिकॉज दिस मिस्टर यादव वाज टू गेट ए मेडल फॉर अवर कंट्री, एज आई अंडरस्टैंड, ए मटेरियल फॉर ओलंपिक.